हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास को समस्त को स्वागत करुँ। पूर्वर आम सब जो थियोरी क्लासेस करटार वीडियो तुम मैंने सब देखी तुम मान कमेंट्स देखिक मुझे बहुत खुशी अच्छी। आज से जो थियोरी क्लासेस आम कर किसीटा डिस्कसन करवा MCQ ठीक अच्छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किसीटा आम डिस्कसन करवा जो साइंस आम स्टार्ट करती बायोलॉजी पार्ट हो कि फिजिकल पार्ट हो जीक आम करवा धीरे धीरे थियोरी क्लास तो से क्लास र बेस करी आम पूरा रिलेटेड क्वेश्चन आम ए प्राक्टिस करवा साइंस MCQ सीरीज आम जो स्टार्ट कर प्रीवियस क्लास रे आम देखि डाइजेशन रेस्पिरेशन सर्कुलेशन यू सब आम कर थ्योरी तो तार गोटे गोटे MCQ सीरीज आम धीरे धीरे करवा। आज जो टॉपिक रही सर्कुलेशन उपर जो वीडियो आम ऑलरेडी थ्योरी रे देखी तारी उपर केते गुडी क्वेश्चन आज आम ये डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। तो चलो देखा फर्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ। ब्लड जो सर्कुलेशन आम पढ़ी टॉपिक प्रीवियस क्लास रे से ब्लड उपर हाँ आम बहुत किसी तार स्ट्रक्चर फंक्शन थ्योरी सब देखी ब्लड केते भाग रे विभक्त बा ब्लड क्या नहीं कि तैयारी WBC RBC फॉर्मड एलिमेंट्स ना प्लाज्मा ना फ्लूइड मैट्रिक्स ये सब जिनस गुड़ी आम पढ़ी तो जो मैंने पढ़ी ना से भिडटा देखी ना आई वुड सजेस्ट से जाके से भिडियो देखी नि फास्ट थ्योरी क्लासटा देखी निपर MCQ सीरीजटा करने को सुविधा हे। ओके तो फास्ट क्वेश्चन देखा, ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कनसीस्टिंग ऑफ। ब्लड क्या नहीं कनसीस्ट हो तैयारी आम जानते गोटे कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करुच्छा संयोजक टिश्यू बोली कह जाए। ब्लड को आम जी कहते तरल संयोजक टिश्यू बोली ओडिया रे कहा जाए ठीक अच्छे। तो सही फ्लूइड मैट्रिक्स रोचे प्लाज्मा रोचे फॉर्म्ड एलिमेंट्स रोचे तेणुक आम कहींपर यू समस्त जाक ऑप्शन ठीक अच्छे। ओके, ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑफ दिज एलिमेंट्स, फ्लूइड मैट्रिक्स रोचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोचे सॉरी मेम्ब्रेन नुहे प्लाज्मा रोचे एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स रोचे। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रानुल्स आर नॉट विजिबल इन। ग्रानुल्स आम जो ब्लड स्ट्रक्चर पढ़ी ब्लड टाइप्स देखी स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो जो स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड पढ़ी WBC RBC प्लेटलेट्स ये सब जिनस देखी तो सीटी आम गोटे पढ़ी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके तो तार भितर आम दुईटा टाइप पुणी या भाग करते गोटे हूँ ग्रानुलोसाइट गोटे अग्रानुलोसाइट मन पका गोटे ग्रानुलोसाइट्स आ गोटे अग्रानुलोसाइट्स ठीक अच्छे। तो ग्रानुलोसाइट्स माने ये जो ग्रानुलर स्ट्रक्चर किसी प्रेजेंट थी तार से कंपोनेंट रे ताहले ताकु कहिबा हमें ग्रानुलोसाइट, ग्रानुल जहाँ प्रेजेंट अच्छी और जहाँ नाही ताकु कहिबा अग्रानुलोसाइट। अब्सेंस ऑफ ग्रानुल्स इन दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज अग्रानुलोसाइट्स। ओके ताले ग्रानुलोसाइट रे जो माने रहुतले कौन कौन रहुतले ग्रानुलोसाइट रे ना NEB मन पकांतु न्यूट्रोफिल्स इओसिनोफिल बेसोफिल ताले अग्रानुलोसाइट रे कौन रहुतला ना लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स बुझियाला लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ताले एठी आपनकर पचारिछि कोन ग्रानुल्स आर नॉट विजिबल, नॉट विजिबल माने अग्रानुलोसाइट आसीबो बुझियाला ताले सेइटार आंसर हबो कोन ना लिम्फोसाइट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड रो जेतिके कंपोनेंट अछि ताकु परफेक्टली डिस्क्राइब करूची को ऑप्शनटा। ओके देखिबा ह्यूमन ब्लड ग्रुप अमर जो रही ह्यूमन ब्लड ग्रुप आम प्रीवियस क्लास रे देखी चंदी केते गुडी अछि ना ABO ब्लड ग्रुप आम कही ना ह्यूमन रो ब्लड ग्रुप को ए अछि बी अछि ओ अछि AB अछि बुझला तले से जो ABO ब्लड ग्रुप किए देथिले ना कार्ल लैंडस्टेनियर देथिले मन रखिबो शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे। ABO ब्लड ग्रुप इज प्रोवाइडेड बाय कहा द्वारा कार्ल लैंडस्टेनियर। ओके ताले ABO ब्लड ग्रुप जो रही या सहित जो कंपोनेंट गुड़िक सहित ह्यूमन ब्लड रे आउ कौन कौन रोच बेस्ट डिस्क्राइब को ऑप्शन टाक करुच्छे आम देखा ह्यूमन ब्लड ग्रुपटा ए एंड बी ब्लड ग्रुप्स रोचे AB एंड ओ ब्लड ग्रुप्स रोचे RH एंड ABO ब्लड ग्रुप रोचे ना RH एंड AB रोचे आम जानगले ABO ब्लड ग्रुप रोचे मैंने ABO तो निश्चित आसो ताले ऑप्शन नंबर सी रे अच्छी बट ता सहित RH फैक्टर गोटे RH टा कौन प्रीवियस क्लास रे मु कहिछि एटा होची रेसस फैक्टर बा RH बा रेसस फैक्टर गोटे मंकी रु आसी थिबारु ए जो फैक्टर टा प्रेजेंट रहिछि ताले याको आमे रेसस फैक्टर बा RH फैक्टर बोली कहि थांदी ताले हमरो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर माने RH फैक्टर थिबो एवं ता सहित ABO ब्लड ग्रुप मध्य ह्यूमन ब्लड रो गोटे कंपोनेंट टाइप रे आमे ताकु ट्रीट करंती बा
देखती। ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल्स हैविंग आरएच एंटीजन आर कॉल्ड डैश। आरएच एंटीजन बा आरएच फैक्टर जहाँ रोची आरएच एंटीजेन जहाँ अच्छी से इंडिविजुअल्स को आम कौन कह जानते आरएच अच्छी आरएच ना ब्लड ग्रुप रे आइदर आरएच थी आरएच फैक्टर प्रेजेंट थी ना आबसेंट थी तेल जहाँ पाखे रही निश्चित भाव से ऑप्शन नंबर बी हम आरएच पॉजिटिव। ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड। लिम्फ गोटे कलरलेस फ्लूइड कौन कौन नहीं कि कौन रोचे से लिम्फ्रे आम देखा कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड कौन रोचे आरबीसी रोचे ना लिम्फोसाइट रोचे ना सेल्स रोचे ना लॉन्ग लाइन सेल्स रोचे। ओके ये सब भितर देखो लिम्फटा क्या नहीं आम जो आमर पूर्व आप पढ़ी थे जे ये मेन करके लिम्फोसाइट्स गुड़िक ही प्रेजेंट रोचे कलरलेस एंड लिम्फोसाइट आपन जानिछंती डब्ल्यूबीसीटा होची कौन डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स व्हाइट ब्लड कहीं कहा जाए ना से कॉर्पसल्सटा आम कलरलेस डब्ल्यूबीसी कहा जाए। ओके व्हाइट कहा जाउची ताले इठी कलरलेस फ्लूइडटा निश्चित भाव में लिम्फोसाइट्स बहुत सारा रही थी बुझीला आई थिंक ये पर्यटन बुझीपे। आउ गोटे क्वेश्चन आसे आपणकर जितेबले सेरम उपरे या परे नेक्स्ट क्वेश्चन टा मु कहबी देखंतु द चीफ फंक्शन ऑफ द सेरम अल्बुमिन इन द ब्लड इज टू। सेरम अल्बुमिन अल्बुमिन गोटे प्रोटीन रोची तले से सेरम अल्बुमिन जो रही तार काम कौन ब्लड रे काम कौन ये आपंकर देखिए जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आपंकर पढ़िबे ब्लड केमिति जमाट बांधुची रक्त जमाट बांधिबा प्रक्रिया रे आपंकर अल्बुमिन फिब्रिनोजेन फिब्रिन ए टाइप रो सब जति प्रोटीन्स रही से माने काम करंती। ओके तले यार फंक्शन कौन आमे पढ़ी मन पकांतु यार फंक्शन कौन रहिबो सेरम अल्बुमिन रो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करिबा ना फिब्रिनोजेन प्रोड्यूस करिबा फॉर्मेशन करिबा ना मेंटेन कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ना रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट तले देखो ये जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ये सब तो ये तो बिल्कुल भी यार काम नुहे ब्लड रो काम नुहे ब्लड कौन करे ना ओनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स गोटे पार्ट रु बा गोटे लोकेशन रु आउ गोटे लोकेशन को ट्रांसपोर्ट करिवारे सहाय करे किए ब्लड। ओके ये रिमूव करिवारे सहाय करेनी एटा मन रखता रिमूवल टर्म जो आसो से सब रिलेटेड हम एक्सक्रेटरी सिस्टम पर्यंत बा एक्सक्रेटरी सिस्टम सहित सी जड़ित रिमूवल। ओके ताले आउ जोटा सर्कुलेशन बा ट्रांसपोर्टेशन ताले सेटा हबो सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक अछि ताले मेंटेन कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एटा गोटे पॉइंट जोटा कि आपन को बुझिवारे प्रॉब्लम होतबो जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहूची हमर कोठी ब्लड वेसल्स रे ठीक अछि ताले से जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करिवा पई ताकू एई जो सेरम अल्बुमिनटा सहाय्य करिथाय फिब्रिनोजेन फिब्रिन ए सब जिनसे तोले पढ़िबे आपनकर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रक्त जमाट बांधिया प्रक्रिया रो थ्योरी रे मु भलसे कहिछि। ओके तो एटा जानि थांदु अल्बुमिन रो काम होची कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को से कोन करिवो मेंटेन करिके रखिवो ब्लड रे बा बॉडी भितरे। ओके तापर आसीबो व्हाट इज द करेक्ट बा व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स एटा के ओ ल्यूकोसाइट स्पेलिंग टा भूल अछि ल्यूकोसाइट्स। ओके तो ल्यूकोसाइट्स रो काम कौन व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन मे बी आपन कहि परबे व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स कहले कौन बुझिबा ना ल्यूकोसाइट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज डब्ल्यूबीसी। ओके तो डब्ल्यूबीसी विषय रे हमको एठी देखिबा कहबो को ऑप्शन टा करेक्ट दिस कैन स्क्वीज आउट थ्रो द कैपिलरी वॉल्स थ्रो रे जाई परबे ना दिस आर इननुक्लिएट। इननुक्लिएट माने नॉन न्यूक्लिएट न्यूक्लियस नाही। ओके सडन फॉल इन देयर नंबर इंडिकेट्स कैंसर। यांकर जो नंबर रही नंबरटा केते रहे 5000 to 8000 बुझेगा तो एति की जदि रहुचि ल्यूकोसाइट्स नंबर जदि यार नंबर रे कम होउचि बा डिक्रीज इन नंबर बा सडन फॉल इन देयर नंबर इंडिकेट्स कैंसर एटा कैंसर हुए कि नहीं जितेबले इंक्रीज हुए सेतेबले हुए कैंसर एवं से कैंसर स्टेज को कौन कहा जाए ना ल्यूकेमिया। मन रखथांतु ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी रा काउंट डब्ल्यूबीसी काउंट जदि बढ़ी जाउची बा इंक्रीज इन देयर नंबर देन इट विल लीड टू ल्यूकेमिया कंडीशन दैट इज आवर कैंसर स्टेज। ओके दीज आर प्रोड्यूस्ड इन थायमस। थायमस नुहे बिल्कुल नुहे ताले ऑप्शन एटा नुहे बी नुहे सी नुहे डी नुहे बी इन न्यूक्लिएट बा नॉन न्यूक्लिएट आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड जानि थांतु आरबीसी रे नो न्यूक्लियस आउ डब्ल्यूबीसी रे न्यूक्लियस रहिछि ठीक अच्छे तेल आरबीसी हम
इन न्यूक्लिएटेड बा नॉन न्यूक्लिएटेड किंतु डब्ल्यूबीसी रे न्यूक्लियस अच्छी ओके तले ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दिस कैन स्क्वीज आउट बा क्रॉस करि परिबे कैपिलरी वॉल को डब्ल्यूबीसी बुझियाला ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 गला क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट पिल माने टिके देखिबो जेतेबेले क्वेश्चन थिबो सेठी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नॉट करेक्ट एथिरे बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुए नॉट पचारीची कि नाही सेटा टिके चेक करिबो न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अब्यूंडेंट आरबीसी ओके आरएच पर्सन इफ एक्सपोज्ड टू आरएच ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आरएच एंटीजेंस बिल्कुल भी नहीं बुझेला आपण मानको एटा कहिया को पड़िबो जे एई जिंसटा आपण को पूरा मन रखिया को पड़िबो जेतोले आरएच फैक्टर वीडियोटा मु बुझै छी ब्लड ग्रुप रे सेटा देखिबे एठी आपण को क्वेश्चन डा बा को ऑप्शन डा करेक्ट नहि बोली पचारे छी आरएच पर्सन जहार आरएच पर्सन माने आरएच पर्सन जे आरएच फैक्टर प्रेजेंट अछि तले आरएच पॉजिटिव इफ एक्सपोज्ड टू आरएच ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज निश्चित भाव रे जदी आरएच ब्लड को सी एक्सपोज हो आरएच ब्लड से तोले कंटामिनेटेड हो छि बा ट्रांसफ्यूजन हो छि ताले तार अगेंस्ट आरएच एंटीजन क्रिएट करिवो एटा गोटे ठीक आंसर ठीक ऑप्शन ओके फिशेस हैव टू चैम्बर्ड हार्ट निश्चित भाव रे तंगर टू चैम्बर्ड हार्ट रहू छि कैल्शियम आयन प्ले ए वेरी इंपोर्टेंट रोल इन क्लटिंग ठीक रक्त जमाट बांधिया प्रक्रिया रे कैल्शियम आयन बहुत गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करे ताले एठी कोटा भूल ना न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अब्यूंडेंट आरबीसी न्यूट्रोफिल्स कोन आरबीसी रो मोस्ट अब्यूंडेंट कि नुहे न्यूट्रोफिल्स आरबीसी रो नुहे बुझियला तेन करी एटा होची करेक्ट आंसर कोटा नुहे पचारी छी एटा भूल सेति पई एटा ठीक बुझियला जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन एटा होची ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कोटा करेक्ट ब्लड रो स्ट्रक्चर नै कि पचारी छी प्लाज्मा रो स्ट्रक्चर पचारी छी सेरम रो स्ट्रक्चर पचारी छी लिम्फ रो स्ट्रक्चर पचारी छी कोटा करेक्ट प्लाज्मा ब्लड रो जदी लिम्फोसाइट को अलग कर दबा ताले लिम्फोसाइट होची अपन कर डब्ल्यूबीसी रो गोटे पार्ट ताले लिम्फोसाइट को जदी अलग करचोन ताले तो प्लाज्मा हे परिबोनी सेरम सेरम नुहे ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन नुहे लिम्फ लिम्फ टा कोन प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी समस्त को मिसे कि नुहे ताले ब्लड ब्लड कोटा को नेकि तयारी ना प्लाज्मा रहूची आरबीसी रहूची डब्ल्यूबीसी रहूची प्लेटलेट्स रहूची त माने ऑप्शन नंबर डी हबो यार करेक्ट आंसर बुझियला तापर दिबा 10 नंबर ग्रुप ग्रुपिंग ऑफ एबीओ ब्लड इज बेस्ड ऑन द डैश कहा उपरे नेकि बा हमें जो एबीओ ब्लड ग्रुप कथा हमें पढिले ए बी ओ ब्लड ग्रुप ताले एबीओ ब्लड ग्रुप टा को बेसिस रे से डिवीजन करिसेंती बा तार जो क्लासिफाई करिसेंती के करिसेंती ना मन रखतां तो एबे कहितली कार्ल लैंडस्टेनियर ओके कार्ल लैंडस्टेनियर ताले से को बेसिस रे एको डिवाइड करिसेंती ब्लड ग्रुप जो करिसेंती ग्रुपिंग करिसेंती को बेसिस रे ना हमर जो आरबीसी रहिची बा जो सेल रहिला या ऊपर जो सिस्टम गुड को एमती लागी थिवा अपन वीडियो देखिले मन पडिवो अपनकर जे ए ए बी ए जो एंटीजन गुड़िक लगी सरफेस उपरे बुझिपार ए बी किंबा ए एंटीजन ओके ताले सही मानन को नहीं कि ही आमर ए ग्रुपिंगटा कराई आरबीसी उपरे जो एंटीजन प्रेजेंट अछन्दि तांको नहीं कि सरफेस एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द आरबीसीस से मानन को नहीं कि ग्रुपिंग कराई जहाँ उपरे ए अछि से ब्लड ग्रुप ए जहाँ उपरे बी अछि से ब्लड ग्रुप बी जहाँ उपरे ए बी अछि से ब्लड ग्रुप ए बी जहाँ उपरे किछि नहीं से हब ब्लड ग्रुप ओ बुझियाला नेक्स्ट जीबा पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिकॉज़ ही हैज देखंतु आपनकर जेतबेले ब्लड ग्रुप टा कंडीशन टा पढिबे सेतबेले जो आरबीसी रहिछि ए आरबीसी टा सपोज ए से प्रम एग्जांपल नवा पय आपन बुझिया पय करिछि इननिक्लेटेड और बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर आरबीसी रो रहिछि ता उपरे एठी ए बी रहिछि ओके ताले जदि ए बी रहिछि ताले से जहाँ पाखरु रिसीव करिवो बा यूनिवर्सल रिसिपिएंट करंती माने कोन या उपरे देखंतु सरफेस उपरे ए एंटीजन रहिछि बी एंटीजन रहिछि माने ए बी दीटा जंको प्रेजेंट अछि त माने जोठु से आनिबो बा ता पई एंटीबॉडीज किछि प्रेजेंट रहिबनी नो एंटीबॉडीज विल बी प्रेजेंट इन प्लाज्मा ताले जहाँ पाखरु आनिबो ता पाखरु त किछि नथिबो बा निज पाखरे एंटीबॉडी किछि नाही बोली से अन्य मानक पाखरु आनि पारुछि आपण से वीडियो देखिले बुझि परिबे ताले बोथ ए बी एंटीजेंस रहिछि आरबीसी रे किंतु एंटीबॉडी प्लाज्मा रे किछि नाही ताले ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बुझियला बोथ ए बी एंटीबॉडी रहिछि सेति पई ताकु कह गला यूनिवर्सल एक्सेप्टर ताले एंटीजेन नाही कहार ओर ताले से कोन करिवो यूनिवर्सल डोनर बुझियला जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल हैपन इफ एन आरएच नेगेटिव पर्सन
आरएच नेगेटिव पर्सन माने जहाँ पाखे आरएच फैक्टर ना इज एक्सपोज टू द आरएच पॉजिटिव पर्सन कौन हम जदि गोटे आंटीजेन बा एंटीबॉडी एमती आमर हो आंटीजेन जनक पाखे अच्छी जहाँपाई आपणकर नुआ कौन सी पाथोजेन गोटे ता बॉडी को आसूची पाखे कौन हो गए आंटीबॉडी क्रिएट होने आंटीजेन ना बिल्कुल आंटीजेन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ये बिल्कुल हेनी नेगेटिव पॉजिटिव आरएच आंटीजेन कैंसल हे बिल्कुल कैंसल हेनी नथिंग विल हैपन किसी हेनी बोले तो कही पारानी कहीं आरएच नेगेटिव पाखे फैक्टर ना एवं पॉजिटिव फैक्टर जो आसूची गोटे नुआ जिनस जिते बॉडी भितर सीए कौन हो इंट्रोड्यूस होती सेठी गोटे एंटीबॉडी क्रिएट हे पैथोजेन हो कि किसी फॉरेन टॉक्सिक एलिमेंट हो किसी भी हो आम बॉडी रे सब बेले आम इम्यून सिस्टम गोटे एंटीबॉडी क्रिएट कराई थाए बुझीगला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन हेमोलाइटिक डिजीज हेमोलाइटिक डिजीज कहले कौन बुझा ना ब्लड रिलेटेड जितकी डिजीज अच्छी आमर ओके तो हेमोलाइटिक डिजीज इन द न्यू बर्नस जिते बेबीज मान केस हुए से कौन पर हुए ड्यू टू द पैसेज अफ डैश इन द फिटस थ्रो द मदर्स ब्लड ये आपंकर आरएच फैक्टर आरएच फैक्टर आपंकर जो भिडियो मुझे भलसे बुझे हेमोलाइटिक डिजीज कौन कौन पर हुए न्यूबर्न मानक क्षेत्र में कौन पर देखा जाए फास्ट बर्न जदि आरएच फैक्टर अच्छी तेल फास्ट बर्न बेबीजा कौन हम सेकेंड बर्न बेबीज्र कौन पर डेथ हो जाए ये सब फैक्टर आप भल भाव बुझे देखूँ ओके तो हेमोलाइटिक डिजीज जो रही कौन पर हुए कौ पर्टिकुलर गोटे एलिमेंटर पासेज हवा द्वारा पास करने द्वारा सेटा कजेस होता है यहाँ आंटी आरएच एंटीबॉडीज यहाँ कौन करना से न्यूबॉर्न बेबीज्र जो ब्लड अच्छी सी डिस्ट्रॉय करदे आरबीसी को डिस्ट्रॉय करवा स्टार्ट कर सो दैट से जो ब्लडटा कौन हम ना न्यूबॉर्न बेबी ब्लड खराब हो से जो आरबीसी गुड़िक नष्ट डिस्ट्रॉय होगा फल कौन हम ना तार ऑक्सीजन काम करजेन जो टेकिंग कैपेसिटी रही है हेमोग्लोबिन फॉर्म होमर जो प्रति सेल पाखक ऑक्सीजन पहुँचुच से सब पहुँची पार्बानी सो दैट हेमोलाइटिक डिजीज़ रे कौन हो ना बॉडी जो नुआ बर्न बेबी रो डेथ हो बुझीगला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर आप जानते फॉर्म्ड एलिमेंट्स गुड़िक कौन ना फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहले आम कौन बुझाती जो ब्लड रही ब्लड रिछटा पार्ट को आम फॉर्म्ड एलिमेंट्स ना दे था प्लाज्मा आउ फॉर्म्ड एलिमेंट्स नुह कि तो जो फ्लुइडटा रहा प्लाज्मा कह जाए आउर जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स गुड़िक रहा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तो ये तो किसी ना तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या कहुच्छे ना एरिथ्रोसाइट को आरबीसी ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट कहुच्छे बुझीगला तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी ओके 15 नंबर क्वेश्चन अडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर इन्यूक्लेटेड इन्यूक्लेटेड माने नॉन न्यूक्लेटेड नो न्यूक्लियस ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर कौन पाई बा तार जो काम गुड़िक रही इन्यूक्लेटेड रही न्यूक्लियस नहीं ताकु डिस्क्राइब करुची को एक्सप्लेनेशन टा दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन तंकर दरकार नहीं तेणुक से माने न्यूक्लियस नहीं दे आर सोमाटिक सेल्स माने जेकोसी सेल रे से माने कन्वर्ट हो पारे मैच्योर हो गला परे बुझीगला दे डू नॉट मेटाबोलाइज मेटाबोलिक मेटाबोलाइज मीन्स मेटाबोलिक आक्टिविटीज किसी प्रोड्यूस करती ना ओके ऑल दे आर इंटरनल स्पेसेस आर अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट यहाँ टी ठीक लगुच कहीं आम टी पूर्व कथा कौन ना ऑक्सीहेमोग्लोबिन फॉर्म करूँ जो ब्लड रे जो रही आरबीसी रे जो हेमोग्लोबिन नामक पिगमेंट से कौन करुच्च ना हेमोग्लोबिनटा आम स्ट्रक्चर ऑक्सीजन सहित मिसिकी ऑक्सीहेमोग्लोबिन फॉर्म करुच्च पास हो ट्रांसपोर्ट हो गोटे जगह आउ गोटे जगह को ओके यही सब गुड़िक देखिले आम ऑप्शन ए भूल ऑप्शन बी भूल ऑप्शन सी भी भूल तेल कौटा ठीक रोचे ना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रे हेल्प करुच्ची तार जो बाइकन केव स्ट्रक्चर रोचे एमती स्ट्रक्चरटा रोचे आरबीसी बुझीगला तो यहाँ स्ट्रक्चर उपर गोटे कनकेव स्ट्रक्चर तलपटु कनकेव तेल बाइकनकेव दुईटा कनकेव हिट देखा होकर बाइकनकेव स्ट्रक्चर कह जाए और न्यूक्लियस नथिबा जोगु ए जो सरफेसटा रहिला ए इंटरनल स्पेसेस रहिला से इंटरनल स्पेसेस रे ऑक्सीजन अटैच होकर कौन हो ट्रांसपोर्ट रे सहाय्य करुच्चे कौटा ऑप्शन हम ऑप्शन नंबर ए मैंने ओनली आईवी इज करेक्ट बुझीगला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हाज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आम जानते दुटा टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम रोचे गोटे हूँ क्लोज्ड गोटे ओपन ओके तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कह रही फेरेटिमा पुस्तमा मैंने कौन फेरेटिमा पुस्तमार रोचे कि आर्थआर्म्र बिल्कुल ना पेरीप्लानेट अमेरिकाना यहाँ क्या कहुच्छे यहाँ हूँ कक्रोच बुझीगला पेरीप्लानेट अमेरिकाना जानी था तार साइंटिफिक नेम गुड़िक कक्रोच फेरेटिमा पुस्तमा आर्थआर्म
हिरोडिनारिया ग्रानुलोसा, लीच। ओके ऑक्टोपस तो जानते तेल यही भितर कौटार रोचे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आमर देखा जदि पेरीप्लानेटा अमेरिकाना बा कक्रोच्र रोचे ओपन आउ बाकी समस्त रोचे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन ह्विच इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम आमर जो वर्टिब्रेट्स प्राणी मैंने अच्छा वर्टिब्रेट्स मानकर सर्कुलेटरी सिस्टम रो कोटा गोटे इम्पोर्टेंट फंक्शन नुहे नॉट पचारी तेणुकर यू देखते ध्यान दिंतु नॉट पचारी तो नॉट हेले ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसपोर्ट करुच्छे। ओके रेगुलेशन ऑफ बॉडी बाय सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज निश्चित प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी बाय सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट मध्य करुच्छे रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर एक्सक्रेशन फ्रॉम द बॉडी एटा देखंतु रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट मु बारंबार कहिछि रिमूवल करिवो वेस्ट प्रोडक्ट को लेकि पहुँचेबो पहुँचेबा दायित्व ब्लड रो किंतु रिमूव करिवा दायित्व होउछि कहार ना किडनी रो रिमूवल दायित्व होउछि कहार किडनी रो आ किडनी कहाँ अंडर रे आसीबो को सिस्टम ना एक्सक्रेटरी सिस्टम बुझियला किडनी आसीब एक्सक्रेटरी सिस्टम रे ताले एटा कोटा नॉट इम्पोर्टेंट फंक्शन ना ए डीटा हबो बुझियला रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर एक्सक्रेशन फ्रॉम द बॉडी एटा हबो करेक्ट आंसर काहेकि ना एटा होची एक्सक्रेटरी सिस्टम रो काम सर्कुलेटरी सिस्टम रो काम नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग बेंगर पचारिछि। ओके तले सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग हैव मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कोटारे मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहुची ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपणकर कोठी देखा जाउची को ब्लड वेसल रे पचारिची बेंग केमिति श्वासक्रिया करे चर्म द्वारा आपणकर सेटा को क्यूटानियस कहंती तनकर क्यूटानियस जोठी अछि वेन रे देखा जिवो बुझियला ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपण जानि थांदु दुइटा कंडीशन मु आपणको कहिची पीएडी मन रखिबे आ गोटे मन रखिबे पीवीओ बुझियला तले पल्मोनरी आर्टेरी डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड तले एठी पचारिछि ऑक्सीजनेटेड ब्लड त माने पल्मोनरी वेन बुझियला तले पल्मो क्यूटानियस वेन वेन रे जीव अधिक कण ऑक्सीजनेटेड ब्लड एठी मु लेखि दउछि हमरो नॉर्मल रहउछि कण आर्टेरी आर्टेरी रे जाउछि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन रे जाउछि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके बट एक्सेप्शन कौन ना पीएडी पल्मोनरी आर्टेरी डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड बुझीला मन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे दुटा अलग अलग सेपरेटरी पाथवे रोचे ह्वेल रहा मन रखता बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा ह्वेल रुईटा सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज रोच बुझीला। नेक्स्ट क्वेश्चन इन मामल्स मामल्स मान केस व्हिच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया यूरिया। ओके तो देखो यूरिया कोई अमाउंट रे बा कोई ब्लड वेसल रे रहुची यूरिया प्रोडक्शन कोठे होची फर्स्ट जानंतु यूरिया प्रोडक्शन आपण कर होची लिवर रे तो लिवर इज द साइट ऑफ यूरिया प्रोडक्शन बुझियला प्रोडक्शन ऑफ यूरिया तले लिवर होची साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूरिया तले लिवर रु जोटा बाहरी लिवर रु कोटा बाहरी ना हेपाटिक वेन हेपार लिवर अन्य नाम आम जानते लिवर इज अल्सो नोन एज हेपार तले हेपार बाहरी हेपार रु जोटा बाहरी हेपाटिक वेन सेठी अधिका अमाउंट रो देखा जाउची कौन आपणकर यूरिया लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया इज फाउंड इन हेपाटिक वेन बुझीला ताउ आपणकर येटा रहुची कोठु माने सबटु कम अमाउंट रो देखा होची रेनल वेन रे बुझीला रेनाल भेन रे स्मॉलेस्ट अमाउंट बा अपन को कही परिबे लोएस्ट अमाउंट बुझीला तले ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वेस्ट न्यूट्रिएंट्स गैसेस एंड हार्मोन्स बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी देखंदु को जगह रे अपन को ए जो वेस्ट प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट्स गैसियस एक्सचेंज ए सब गुड़िक होची हार्मोनल एक्सचेंज ए सब जगह ब्लड आउ बॉडी भितर को जगह रे होची बुझियला ताले ताको आपण जदि देखिबे आर्टेरी आर्टेरियल कैपिलरी वेन्स
ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ୍ୟାପିଲାରିଜ୍, ବୁଝିହେଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଫାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଆର୍ଟେରି ଆସୁଛି, ଆର୍ଟେରି ଆସିକି ପୁଣି ସେଇଠି ଛୋଟ 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 କ୍ୟାପିଲାରିଜ୍ରେ ଏମିତି ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇ କ୍ୟାପିଲାରିଜ୍ଟା ପୁଣି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ମିଶୁଛି, ଭେନ୍ ଗୋଟେ ବନିଯାଉଛି, ବା ଆର୍ଟେରି ଯେଉଁ ଯାଇଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭେନ୍ ବନୁଛି। ତ ଏମିତି ଛୋଟ 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 ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଲାରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଶିଛି ଯାଇକି କେଉଁଠି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ ପାଖରୁ ସେଇଠି ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଓକେ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆର୍ଟେରି ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ କ୍ୟାପିଲାରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ କ୍ୟାପିଲାରି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଲ୍ ପାଖରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତାକୁ ସେଲ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆର୍ଟେରିରେ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ଼ ବ୍ଲଡ଼୍ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଇଟା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯୁକ୍ତ ବ୍ଲଡ଼୍ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହୋଇଯାଇଥିବ ଭେନ୍, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଲାରିଜ୍, ତାହେଲେ ଏଇଠି ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ତାହେଲେ ଦ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେବ କେଉଁଟା ନା କ୍ୟାପିଲାରିଜ୍, ଓକେ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଆର୍ଟେରିଜ୍, ଆଜ୍ ଓକେ, ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ ଆର୍ଟେରିଜ୍, ଆର୍ଟେରି ସହିତ କମ୍ପେୟାର୍ କଲେ ଭେନ୍ସ, ଭେନ୍ର କାମ କ'ଣ ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୋର୍ ମସଲ୍ସ, ଭେନ୍ର ପାଖରେ କ'ଣ ମୋର୍ ମସଲ୍ସ ଅଛି ନା ଆପିୟର୍ ମୋର୍ ରାଉଣ୍ଡେଡ଼, ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମୋର୍ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର୍ ଗ୍ରେଟର୍ ପ୍ରେସର୍, କାହା ପାଖରେ ବା ଭେନ୍ସର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ଏଠି ଦେଖେଇବାକୁ କହିଛି, କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିଛି ଆର୍ଟେରି ସହିତ ଭେନ୍କୁ। ତାହେଲେ ଭେନ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ମୋର୍ ମସଲ୍ ରହୁଛି ନା ମୋର୍ ରାଉଣ୍ଡେଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରହୁଛି, ନା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଅଧିକା ହୋଇପାରୁଛି, ନା ଦେ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର୍ ଏ ଗ୍ରେଟର୍ ପ୍ରେସର୍, କେଉଁଟା ରହୁଛି ଭେନ୍ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର? ସବୁଠୁ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆପିୟର୍ ମୋର୍ ରାଉଣ୍ଡେଡ଼, ବୁଝିହେଲା, ଅଧିକା ରାଉଣ୍ଡେଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତା ପାଖରେ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଭେନ୍ ପାଖରେ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ଆର୍ଟେରି, ଆର୍ଟେରି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ରହୁଛି। ଦ ସିନୋ ଆଟ୍ରିଆଲ ନୋଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆସିଲା ହାର୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ସାର୍କୁଲେସନ୍ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ହାର୍ଟ ପଢ଼ିବେନି, ଏମିତି ତ ହୋଇପାରିବନି ନା। ତ ସାର୍କୁଲେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଜର୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆପଣ ବ୍ଲଡ଼୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ହାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟ ବିଷୟରେ। ତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଏସ୍ଏ ନୋଡ଼୍ ବୋଲି, ଏସ୍ଏ ନୋଡ଼୍ ଆମର ମେଜର୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ରହୁଛି ବା ମେଜର୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଓକେ। ତ ଏଇଠି ଏସ୍ଏ ନୋଡ଼୍ଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏସ୍ଏ ନୋଡ଼୍ ରହୁଛି କେଉଁଠି ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଚୁଏଟେଡ଼୍ ଇନ୍ ଦ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ, କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏସ୍ଏ ନୋଡ଼୍ଟା କେଉଁଠି ରହୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ହାର୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଏମିତି ନେଇଛନ୍ତି, ମନେ ପକାନ୍ତୁ ହାର୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଏମିତି ଯଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଓକେ, ଭାଗ କରୁଥିଲେ ଏମିତି ରା ଲା କହିଥିଲି, ରା ଲା ମାନେ ରାଇଟ୍ ଅରିକିଲ୍ ଲେଫ୍ଟ ଅରିକିଲ୍, ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଆର୍ ଭି ଏଲ୍ ଭି ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍ ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍, ତାହେଲେ ଏଇ ରା ଲା ମାନେ ଏଇ ରା ଉପରେ ରାଇଟ୍ ଅରିୟମ୍ ବା ଅଟ୍ରିକିଲ୍ ଅରିକିଲ୍ ଅରିକିଲ୍ର ଏଇ ଉପର ପୋର୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ରହୁଛି ଏସ୍ ଏ ନୋଡ଼୍, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରହିଛି, ଇନ୍ ଦ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମ୍ ଅରିକିଲ୍ ବା ଆଟ୍ରିୟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ପେସ୍ ସେଟର୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟ, ଓକେ। ତାହେଲେ ଏସ୍ ଏ ନୋଡ଼୍ଟା ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏସ୍ ଏ ନୋଡ଼୍ ହେଉଛି ପେସ୍ ମେକର୍ ଆପଣଙ୍କର। ଆମେ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଥିଓରିରେ, ମୁଁ କହିଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ଟା ଆମର କ'ଣ, ନ୍ୟୁରୋଜେନିକ୍ ନା ମାୟୋଜେନିକ୍, ହାର୍ଟ ବିଟ୍ଟା ଆମର ମାୟୋଜେନିକ୍ ମାନେ ମସଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ନ୍ୟୁରୋଜେନିକ୍ ନୁହେଁ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ହେଉଛି ଏଭି, ଏଭି ନୋଡ଼୍, ଏଭି ନୋଡ଼୍ କ'ଣ ନା ପେସ୍ ସେଟର୍, ବୁଝିହେଲା, ପେସ୍ ସେଟର୍ ଆଉ ପେସ୍ ମେକର୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ପେସ୍ ସେଟର୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପେସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପେସ୍ ମେକର୍, ପେସ୍ ମେକର୍ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି, ପେସ୍ ମେକର୍ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ପେସ୍ ମେକର୍ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ସେ ତିଆରି କରୁଛି ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପେସ୍ ମେକର୍, ଓକେ। ଆଉ ସେଇଟା ମସଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମାୟୋଜେନିକ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ମାୟୋଜେନିକ୍, ଓକେ। ମାୟୋଜେନିକ୍ ମାନେ ଜେନେରେଟେଡ଼୍ ବାଏ ମସଲ୍ସ, କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ମସଲ୍ସ, ଓକେ, ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ଡ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ମସଲ୍ସ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନ୍ୟୁରୋଜେନିକ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ନର୍ଭ ସେଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ରେଗୁଲେଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପେସ୍ ସେଟର୍ ପଚାରିଛି, ପେସ୍ ସେଟର୍ ହେଉଛି କିଏ, ଏଭି, ଏଭି ନୋଡ଼୍, ଆଟ୍ରିଓ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର୍ ନୋଡ଼୍, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ହାଜ୍ ଦ ଥିକେଷ୍ଟ ୱାଲ୍ସ,
थिकेस्ट वाल कोटार कौ ये जो भेन्ट्रिकल चारिटा सॉरी दुटा भेन्ट्रिकल दुटा ओरिकल देखे से भितर आपर कौटार सब थिकेस्ट वाल रही देखो आप स्ट्रक्चरटा ह्यूमन हार्टर स्ट्रक्चर जदि मुझे करी ओके ह्यूमन हार्टर स्ट्रक्चरटा मन पका एमती स्ट्रक्चर अच्छे ना तो यू आपणकर एमती रही तर चारिटा चैंबर फोर चैंबर हार्ट आमर रोच ह्यूमन ओके तो यही चैंबर भितर सबुठार अधिका पोर्सन अधिका भागरे कौटा कौ पोर्सन टे रोचे यहाँ देखूँ अधिका रोच मोटा बुझीगला तेल यही पोर्सन टाक आम कौन कहते ना यही पोर्सन टाइम हूँ जे लेफ्ट भेन्ट्रिकल एपटा आपर मुझे बारंबार कही गोटे हूँ रा मैंने आर ए राइट ओरिकल एटा हूँ लेफ्ट ओरिकल एटा हूँ राइट भेन्ट्रिकल एटा हूँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल तेल सबुठार अधिका थिकेस्ट मसल्स थिकेस्ट वाल आपर कौटी रोचे ना लेफ्ट भेन्ट्रिकल बुझिपारे जी नेक्स्ट क्वेश्चन इन आडल्ट नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपर क्वेश्चन आसा नॉर्मल ब्लड ब्लड प्रेशरटा के ओके शहे बाय अशी बटा को सिस्टोल आउ डायस्टोल केस बुझा जाए ब्लड प्रेशर आप पढ़ी थे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक कंडीशन ओके तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर टा के रोचे ना 180 सॉरी 120 बाय 80 mm Hg बुझीला। नेक्स्ट जीबा द सेकेंड हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विथ क्लोजर अफ हार्ट जो आम पढ़ी थे कंट्राक्शन अफ हार्ट बा रेगुलेसन अफ हार्ट बीट ओके सर्कुलेसन जो ब्लडटा हो पंपिंग अफ हार्ट ओके से ही कंडीशन आम कौन रोचे ना ब्लड जो आसूरी आमर कौटी चारिटा चैंबर जब आम एम देखा ये जो चारिटा हार्ट रैंबर यू रईट ओरिकल रु एपट को आसला पुणी एठू ऊपरक जा लंगस को पुणी आसूँगी आपर कौटी की लेफ्ट ओरिकल पुणी लेफ्ट भेन्ट्रिकल एमती जो जाऊला पुणी तापर अलग अदर बॉडी पार्टस को जाऊँगी तो से ही भितर दुईटा साउंड होता है गोटे हूँ आपर लव LUBV ओके आ गए हूँ डब दुटा साउंड लव एंड डब तो यही दुटा साउंड केतबले होची तले ए लवटा होची आपनर फर्स्ट हार्ट साउंड कह जाए ओके आ डबटा होची सेकंड हार्ट साउंड तले सेकंड हार्ट साउंड टा आपनर हबो क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व सेमिलुनर वाल्व रो क्लोज टाइम रे एटा साउंड हुए आ लवटा केतबले हबो ना एवी वाल्व एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व दुटा टाइप रो वाल्व रहिची ना गोटे होची एवी वाल्व रो फर्स्ट होची बाइकोस्पिड आ गोटे हूँ ट्राइकोस्पिड ओके आ बाइकोस्पिड को आम कही था मिट्राल मन रखि थे मिट्राल मिट्राल भाल कह जाए ठीक अच्छे तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर्स यूज ए स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल प्रत्येक कार्डियक साइकिल टाइम रे जो साउंडटा प्रोड्यूस होता शुणापी डॉक्टर कौन करती आम स्टेथोस्कोप यूज करती स्टेथोस्कोप यूज करने सेकेंड साउंडटा आमर प्रड्यूस हुए जितेबाला सेकेंड हैंड साउंड कौटा ना आम ए पढ़ले सेकेंड हैंड साउंड ये देखते उपरे कौटा डब तले से डब साउंडटा केतबाला हम ना सेमिलुनर वाल्व्स क्लोज डाउन हम आफ्टर द ब्लड फ्लोज इन टू द वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स हार्ट स्ट्रक्चर में पूरा बुझे ओके बस खाली आप मन रखु लव डब साउंड केत लव साउंडटा केत जो एवी वाल्व आपर क्लोज हो आ जो डब साउंड हो सेकेंडटा ना सेमिलुनार भाल्व जो क्लोज होके। नेक्स्ट क्वेश्चन द कार्डियक इंपल्स इज इनिशिएटेड ओके द कार्डियक इंपल्स इज इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फर्दर अफ टू भेन्ट्रिकल जो हार्टर पूरा जो मायोजेनिक हार्ट बीट आम स्टार्ट होरीजिन होंपल्स गोटे क्रिएट होता क्रिएट है कौ कौ मानने नोड दे कि जाऊार पाथ हुए कौन एसए नोड रे आमर स्टार्ट होची एसए रु जानी एसए एभी परकिंजी फाइबर्स एभी बंडल बुझीला एसए नोड परकिंजी फाइबर्स एभी नोड एभी बंडल एभी नोड एसए नोड एभी बंडल परकिंजी फाइबर्स बुझीला तले कोटा कोटा रहूची देखंतु एसए नोड एठी एपट सेपट अच्छी टिके स्ट्रक्चर बा आपनकर सिक्वेंस रे ऑप्शन नंबर एटा मु करेक्ट मारिली किंतु तार सिक्वेंस रे टिके एपट सेपट अच्छी आगे आसीबो एसए नोड तापर आसीबो एभी नोड माने एसए नोड होची पेस मेकर एभी नोड हबो पेस सेटर ओके तापर आसीबो एभी बंडल तापर आसीबो जांकी पीएफ बा परकिंजी फाइबर्स
यहाँ हूँ कौन बोथ वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को जो शाखा प्रशाखा भाया स्ट्रक्चर सब मानने ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर सब खेले होकर रही है सेटा हूँ परकिंजी फाइबर्स। ओके तले यहाँ हूँ आपर परफेक्ट ये तले ये आपटा काटि दिंतु परकिंजी फाइबर्स आगे आसवनी आगे ए भी बंडल आसपर आसव पी एफ बा परकिंजी फाइबर्स बुझीला जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 डबल सर्कुलेसन इज द क्यारेक्टरीस्टिक फिचर अफ ह्विच अफ द फलोईंग आम जाने दुटा टाइप सर्कुलेसन रोच ओपन सर्कुलेसन आ क्लोज सर्कुलेसन पुणी आगे रोचे सिंगल आ डबल आ मिक्सड एमती अच्छी। ओके मुझे सब सर्कुलेसन रिओरी देखते फिशेस मान देखा सिंगल आर्थ्रोपोड्स एनेलिड्स सब सिंगल ह्यूमन केस आसू डबल मानने थे आपंकर पूरा बॉडी को जो ब्लड सर्कुलेट हाँपी दी थर हार्ट से पास करुँच ब्लडटा थे अक्सीजनेटेड पुणी थे डीअक्सीजनेटेड बुझेगा तेणुक डबल सर्कुलेसन कहुए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हेपाटिक पोर्टाल सिस्टम हेपाटिक पोर्टाल सिस्टम इज कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड हेपाटिक पोर्टाल सिस्टम देखो आप कंडीशन गोटे देला डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आउ गोटे थी कौन हेपार हेपाटिक हेपार टर्म आसला मैंने निश्चित भाव में लिभर ही थी बुझेगा तो लिभर इज द करेक्ट आंसर। ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन ह्विच वन अफ द फलोईंग सर्कुलेसन्स इज नॉट ए टाइप अफ सिस्टेमिक सर्कुलेसन सिस्टेमिक सर्कुलेसन रोटा गोटे पार्ट नुहे। ओके तले आपन जो सिस्टेमिक सर्कुलेसन कहुच्छे से कौन रोच ना आपंकर यू रहा हार्ट यू तौक जीक आसला बुझिपारे बडीर तौक जीक आसला से सब बडीर नुहे हार्टर से कहुच्छे सिस्टेमिक आरको जीक गला से पल्मोनरी तले ये देखो सिस्टेमिक रोटा पार्ट नुहे पचारि करोनरी निश्चित भाव सिस्टेमिक रोच हेपाटिक पोर्टाल रोच रेनाल सर्कुलेसन रोच पल्मोनारीटा रोना पल्मोनारीटा आपंकर कौन रोज पल्मोनरी सर्कुलेसन इज इटसेल्फ ए टाइप ऑफ सर्कुलेसन बुझीला जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थेरोस्क्लेरोसिस इज अल्सो कॉल्ड आज आर्थेरोक्लेरोसिस यहाँ कौन हुए ना ये ब्लड प्रेसर बढ़ी जाए आई टाइम कौन हुए ना आर्टेरी गुड़िक सब डिपोजिशन हो जाए सब वेस्ट प्रडक्ट तेल से करोनरी आर्टेरी डिजीज गोटे आर्टेरी आर्टेरी आम सब बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट सब डिपोजिट है ब्लॉकेज ऑफ आर्टेरी हो जाए सो दैट बीपी बढ़ी जाए ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए आपड़ देखिथे जो पाइप आपम करती पा दिंती जदि कौन पार्ट्रे पाइपटा को आज प्रेस कर दिखती मझीरे तेल कौन हुए प्रेसर पड़े कि ना पाइप जो लगी था बाहरी जाए तो से भाया ब्लड फ्लो होम आर्टेरी गुड़िक पाइप भाया इमाजिन करूँ और से भितर कौन रोचे ना जो ब्लडटा फ्लो होदी ब्लकेज हो मझी मझीरे वेस्ट प्रडक्ट गुड़िक सब पोजिशन डिपोजिशन होने से डिपोजिट होगा फल ब्लड जो फ्लो हो फ्लो बाधा सृष्टि हे तो बाधा सृष्टि हाँ फल कौन हम ना ब्लडटा पर्टिकुलर जी प्रेसर में जाता हेनी जापर अधिका प्रेसर क्रिएट हम सो दैट ब्लड प्रेसरटा इनक्रीज हे बुझेगा से आथेरोस्क्लेरोसिस। ओके जीवा नेक्स्ट ग्रुप नेक्स्ट क्वेश्चन ह्विच ब्लड ग्रुप इज कनसीडर्ड आज यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल डोनर किए यूनिवर्सल डोनर हूँ ओ पॉजिटिव ना ओ नेगेटिव बुझेगा ओ ब्लड ग्रुपटा यूनिवर्सल डोनर समस्त को देपारे। ओके तो ओ नेगेटिव हूँ यूनिवर्सल डोनर हाँ ये नेगेटिव पॉजिटिव रो काम कौन ना पॉजिटिव मीन्स जहाँ पाखे आरएच फैक्टर अच्छी आउ नेगेटिव मीन्स जहाँ पाखे आरएच फैक्टर नहीं ताले आरएच फैक्टर नहीं मीन्स आउ जन को से ब्लडटा दे पार। ओके जदि आरएच फैक्टर अच्छी ताले अन्य जन को ब्लडटा गले से कौन हम ना तार बॉडी रे एंटीबॉडी क्रिएट हे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड जो मिस से बहुत सारा प्रोब्लेम आसो तेणुक ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जहाँ से यूनिवर्सल डोनर बोली आम कनसीडर करती। नेक्स्ट क्वेश्चन ह्विच ब्लड ग्रुप इज कनसीडर्ड एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर तले एक्सेप्टर क्या कहो ना जहाँ पाखे थी ए बी पॉजिटिव बुझीला ए बी पॉजिटिव ए बी ग्रुप हूँ ए बी ग्रुप आम जानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वजन ग्रहिता बुझीला समस्त रिसीव कर पार रक्त ग्रहण कर ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बुझीला तो यही आपंकर सर्कुलेसन क्वेश्चन आई होप कि जो जिते सारा आम एवं डिस्कसन कले एम सी क्यू सीरीज रे सब जगह क्वेश्चन आपको भल लगे आउ टे क्वालिटी वाला क्वेश्चन आपे बहुत सारा एम सी क्यू आम आगे आहरी डिस्कसन करवा पॉइंट ऑफ व्यू रु देखिकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत सारा एग्जाम बर्तमान आसूँ ना जो थे कि ये टाइप क्वेश्चन पचारे फंडामेंटल क्वेश्चन आसवा दरकार फंडामेंटल स्ट्रंग थी दरकार तो से अनुसार थ्योरी पार्टा आप आगे देखिए
सब थ्योरी पार्ट रो क्वेश्चन गुड़िक आम ये डिस्कसन कर थ्योरी में जहाँ जहाँ सब पढ़ाई सब गुड़िक आम ये डिस्कसन करवा सो दैट आपर रिविजन टाइप रही ओके सो आई होप आप क्लास भल लगी जदि भल लगुच देन कमेंट करके जनातु आदि कौन प्रकार किसी डाउट रोचे क्वेश्चन में सर्कुलेटरी सिस्टम उपर किसी भी डाउट रही देन कमेंट सेक्शन में जनातु अदरवैज आप नंबर में कंटाक्ट करेंगे तल नंबरटा ठीक अच्छे एनी क्वेरी और प्रोब्लेम रिगार्डिंग द कंटेंट यू कैन ऑल्सो कंटाक्ट इन दिस नंबर ओके सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।